हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर आंदोलन के तीसरे दिन गुरुवार को शांति रही। बुजुर्ग किसानों ने युवाओं को आगे बढ़ने से रोका, कहा कि जब तक केंद्र के साथ मीटिंग नहीं हो जाती तब तक कोई भी बैरिकेड तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। इस मुद्दे पर संयुक्त मोर्चा और संयुक्त संघ ने शुक्रवार भारत बंद का आह्वान किया है। उधर किसान नेताओं और केंद्र मंत्रियों के बीच रात 8:30 बजे से 12:30 बजे तक हुई बैठक बेनतीजा रही। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने MSP पर कानून बनाने के लिए एक समिति बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसमें किसान व सरकार दोनों के ही प्रतिनिधि होंगे, लेकिन किसान नेता MSP गारंटी पर अड़े रहे। समाधान ना निकलने पर गुस्साए किसान बैरिकेड के पास पहुंच गए और जवानों को ललकारा। इससे पहले पंजाब के किसान संगठनों ने राज्य में 11 जगहों पर 4 घंटे रेल रोको ट्रैक जाम रखा, वहीं 16 टोल प्लाजा भी फ्री कराए। इससे पंजाब की तरफ जाने वाले 6 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।